ठीक है, तो इसीलिए कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेरिजन टू बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इसीलिए बट जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर करना है वोटर एड करना। ठीक है, तो
तो वोटर आईडी का लिंक यहाँ पर क्या बन जाता है, सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, सी एच थ्री इस तरीके से बन जाता है। एक ये है हमारा वन टू, दो कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड। यहाँ पर भी दो कार्बन है तो ये कौन सा हुआ, ठीक है भाई, इथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम ये जो वॉटर है ये एक्सेस में ले लें, ठीक है, ऑर्डर हम क्या ले लें, इसको एक्सेस में ले लें, व्हेन वी टेक वेरी लार्ज अमाउंट of water, then order of this reaction is 1, but molecularity is 2, इसकी molecularity कितनी होगी भाई, 2। तो pseudo first order reaction कौन सी होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, एक्चुअल में वैसी नहीं होती लेकिन बिहेव करती है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सेस, ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक्सेस मतलब वॉटर हमने एक्सेस में ले लिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ सी थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव, सिर्फ इसके ऊपर इसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसके नहीं। ओके, तो ये है हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ आया भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर। लोकेश क्यों पहले तुम मैं समझा रही हूँ तब तो नोट डाउन करने में लगा हुआ है, नोट डाउन घर पे जाके कर लेना वीडियो में से, अच्छा नहीं दिखता, समझ गया क्या, पर बंद कर इसको। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सूडो का मतलब होता है मुखौटा, ओके, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुखौटा मतलब जो एक्चुअल में नहीं होता बिहेव करता है उसकी तरफ होता है मुखौटा, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सच रिएक्शन, वो रिएक्शन जो ट्रूली नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, जो एक्चुअल में रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती लेकिन कुछ कंडीशन में वो किसी तरह बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो उनको हम क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वॉटर को ऐड करना, ठीक है, जब भी हाइड्रोलिसिस दिखे मतलब क्या है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वॉटर, ठीक है। इथाइल एसिटेट, इथाइल का मतलब क्या है, दो कार्बन, एसिटेट ए टी ई का मतलब है एस्टर के लिए, एस्टर सी ओ होता है, एसिटेट मतलब जब आर के जगह क्या हो, सी एच, ये है इथाइल एसिटेट, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, इथाइल एसिटेट। हाइड्रोलिसिस करवाई मतलब वॉटर ऐड कर दिया, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा ये सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओके, तो यहाँ पर लग जाएगा ओ एच, यहाँ पर एच, इस तरफ वाटर किस में डिसोसिएट होता है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव ओ एच, ये वाला कैसे डिसोसिएट होता है, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, वॉटर एक्सेस में ले रखा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रखा है वॉटर, तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
मिथाइल एसिटेट। तो ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इसकी वजह से ऑर्डर क्या है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन ऑफ केन सुपर। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन। देखो भाई, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, केन सुगर को सुक्रोज भी बोलते हैं, छोटी क्लास में से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करना। ठीक है, जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ये रिएक्शन किसमें होते हैं, ये रिएक्शन होती है, तो ये किसमें डिसोसिएट होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, किसमें डिसोसिएट होता है, ये है हमारा सुक्रोज, सुगर, सुगर का फॉर्मूला होता है सुक्रोज। ठीक है, केन सुगर में सुगर होती है ना, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर ऐड करना, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो किसमें डिसोसिएट होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। उसके बाद जब हमने इसको देखा तो भाई ये क्या होता है, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेट रिंग, और ये भी डेक्स्ट्रो, फिर हमने ग्लूकोज में से घुमा के देखा, देखा भाई ग्लूकोज भी इस
में घुमाता है राइट में इतनी डिग्री, फ्रक्टोज का देखा फ्रक्टोज लेफ्ट में घुमाता है। अब देखो भाई यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें कोई सब्सटेंस ये है वो 52 डिग्री राइट घूम रहा है और 92 डिग्री लेफ्ट घूम रहा है, तो ओवरऑल कौन सा आएगा? अगर ओवरऑल निकालें तो ओवरऑल क्या आएगा? लेफ्ट आएगा ना। ओवरऑल रोटेशन क्या होगी इसकी? लेफ्ट होगी, क्योंकि राइट में कम रोटेट हो रहा है और लेफ्ट में ज्यादा। वैसे भी हम देखते हैं अगर नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव ही आता है ना, जिसका साइन जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसी का साइन आता है ना लार्ज, चाहे अगर वो पॉजिटिव वाला हो या फिर नेगेटिव वाला हो, जो जिसका नंबर ज्यादा होता है उसी का साइन आता है। अब यहाँ पर देखो 52 राइट में जा रहे हैं और 92 लेफ्ट में जा रहे हैं, तो रोटेशन किस तरफ हो गया वाला? 92 लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सिंक्रोज रोटेट टीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट टीपीएल इन राइट डायरेक्शन, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 66.5। बट प्रोडक्ट ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी दैट इज प्लस 22.5 डिग्री एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, रोटेट इन लेफ्ट डायरेक्शन। कितना? माइनस 92 इसके अभी
दिख रहा है अभी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कैसे होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 2 log of R नॉट डिवाइड बाय R, ठीक है, R नॉट डिवाइड बाय R। यहाँ पर इन्होंने इंफिनिटी दी थी, R नॉट माइनस इंफिनिटी, R नॉट माइनस इंफिनिटी है, ये इनफाइनाइट, ये है इनिशियल, ये है किसी टाइम t के ऊपर रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ R नोट क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं R नोट रोटेशन एट इनिशियल, R t क्या है रोटेशन एट टाइम t, ठीक है, और R R इन्फिनिटी क्या हो जाएगा रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, जिसमें हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट किया था, या फिर इसको हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इन्वर्जन ऑफ केल सुगर, ठीक है, कितना टाइम हुआ, ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ये, अगर कोई डाउट आता